हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन की। टेक्निकल एजुकेशन में भी जैसे आप जानते हो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिग्री कोर्सेज होते हैं, साथ में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंडक्ट करता है, वो है, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट। तो ये जो है इसकी वेबसाइट है dtemaharashtra.gov.in। यहाँ स्क्रीन पर आप ऊपर देख सकते हैं एड्रेस बार में dtemaharashtra, देखिए ये रहा dtemaharashtra.gov.in। सबसे पहले आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। ये जो वेबसाइट है ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की है। इस वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, इंजीनियरिंग फार्मेसी की जो डिग्रीज होती है, एग्रीकल्चर फिशरीज की, वो सारी, इसके साथ साथ डिप्लोमा के सारे नोटिफिकेशन यहाँ से आते हैं। DTE ने क्या किया है कि जो इंजीनियरिंग फार्मेसी, एग्रीकल्चर फिशरीज, ये जो डिग्रीज होती है इनके लिए एक अलग वेबसाइट बनाई है। जो वेबसाइट अलग है उसका नाम mahacity.org है। ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं mahacity.org, यहाँ से जो है इंजीनियरिंग फार्मेसी, एग्रीकल्चर फिशरीज, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे एडमिशन महासिटी यहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ही। लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? DTE के कंट्रोल में, dtemaharashtra.gov.in। अच्छा, अभी डिप्लोमा के एडमिशन कैसे होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और डिप्लोमा कितने टाइप के होते हैं वो आप जानेंगे इस वीडियो में। आओ चलो नीचे मैं आपको बताता हूँ। तंत्र शिक्षण पदवी का प्रवेश, यहाँ पदवी का मतलब क्या है? डिप्लोमा, ध्यान से सुनो, पदवी का मतलब डिप्लोमा। तंत्र शिक्षण यानी टेक्निकल, प्रवेश यानी एडमिशन, यानी टेक्निकल डिप्लोमा जो होता है उसके एडमिशन की जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये डिप्लोमा होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पोस्ट SSC डिप्लोमा, देन पोस्ट HSC डिप्लोमा, देन डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा। ये क्या है एकदम ध्यान से सुनो, पोस्ट SSC डिप्लोमा का मतलब है कि SSC के बाद यानी 10th स्टैंडर्ड जिस बच्चे ने अपीयर किया है उसके बाद जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है, जिसको आप पॉलीटेक्निक भी बोल सकते हैं। 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा अलग अलग होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से होता है। ओके, ये 10वीं का रिजल्ट आने के बाद इसके एडमिशन शुरू होते हैं। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, 10वीं के रिजल्ट के बेसिस पर जो है एडमिशन होते हैं। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है, जो मेन जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, जैसे मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में बांद्रा में GP यानी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज है, उनके जरिए ये सेंट्रलाइज एडमिशन होता है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर GP यानी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से ये होता है। दूसरी बात करेंगे पोस्ट HSC डिप्लोमा, यानी जो बच्चे 12वीं दे चुके हैं 12वीं के बाद वो डिप्लोमा दे सकते हैं। आप बोलोगे 12वीं के बाद तो डिग्री होता है, लेकिन 12वीं के बाद भी कुछ डिप्लोमा होते हैं। ओके, कौन से डिप्लोमा होते हैं मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइप के डिप्लोमा होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप जानते हो कि 12वीं के बाद अगर डिग्री में एडमिशन लेना है CET या JEE करके, तो इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ग्रुपिंग क्लियर होनी चाहिए। PCM PCB में 50% का जो है क्राइटेरिया वो होता है, OBC और कास्ट वालों के लिए जो 45% का होता है। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम है नहीं, CET वगैरह नहीं लगता, डायरेक्ट 12th के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। तीसरा जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन, ये क्या होता है? डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा मतलब जिन बच्चों ने 12th किया है और वो डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, लेकिन जो 10th के बाद जो पोस्ट SSC डिप्लोमा होता था वही डिप्लोमा, यानी पॉलीटेक्निक जिसको हम बोलते हैं, 10वीं के बच्चे जो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं उसी डिप्लोमा में अगर 12वीं करने के बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिलेगा। मतलब जो 10वीं का बच्चा डिप्लोमा करने जा रहा है 10वीं के बाद, तो वो पहले फर्स्ट ईयर करेगा, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, यानी 3 साल का होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 12वीं करके जा रहा है तो उसे फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, उसे सीधे सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह से 3 टाइप के डिप्लोमा होते हैं, एक 10वीं के बाद और एक 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक में और एक HSC के बाद। अब आओ चलो HSC के बाद जो डिप्लोमा होता है उसके अंदर हम बताएंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, आप देखेंगे सबसे पहले फार्मेसी, फार्मेसी के बारे में आप जानते हो, CET दे के फार्मेसी में जाते हैं, लेकिन फार्मेसी करने का भी 2 तरीका होता है, एक बैचलर ऑफ फार्मेसी और एक डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी B Pharma और D Pharma, इस तरह से 2 तरीके होते हैं, B Pharma और D Pharma। तो ये जो है आप 12वीं के बाद जो डिप्लोमा करते हैं पोस्ट HSC डिप्लोमा, उसके अंदर D Pharma होता है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो 12वीं देना पड़ेगा, और उसके बाद बिना एंट्रेंस के आप D Pharma में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा क्या है देखो, HMCT। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो HMCT का फुल फॉर्म क्या है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी।
यानी कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, तो HMCT ये कोर्स है, बिना एंट्रेंस के आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा होता है सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, SCT जिसको हम बोलते हैं, तो 12वीं करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 3 साल के डिप्लोमा होते हैं, ओके, फार्मेसी हो गया, सर्फेस कोटिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट क्या होता है, 2 साल का होता है और 1 साल जो है होटल में काम करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, इस तरीके का होता है। तो अगर आप 12th कर चुके हैं, 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो आप ये तीनों जो डिप्लोमा होते हैं, डी फार्मा या होटल मैनेजमेंट या सर्फेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, कर सकते हैं। इसके एडमिशन कैसे होंगे, तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट स्पेशली पोस्ट HSC डिप्लोमा की है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं इसकी स्पेशल वेबसाइट है, ओके, DTE महाराष्ट्र के वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा। इसके जो एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसके एडमिशन शुरू होंगे, तो यहाँ से आप जो है कैप राउंड देख सकते हैं। कैप राउंड क्या होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कि जो भी एडमिशन प्रोसेस होते हैं आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं, और आपके जो 12th के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर ये DTE महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जो आपको फॉर्म भरना होगा, यहीं पर लिंक आएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अपनी डिटेल भरनी होगी। फिर राउंड होंगे, ऑप्शन फॉर्म भरना होगा कॉलेजेस के, फिर कैप राउंड होगा, कैप राउंड 1, 2, 3, उसमें आपको कॉलेज अलॉट होंगे। तो इस तरह से ये पोस्ट HSC डिप्लोमा होता है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में जानकारी पाना, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है, जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिए। अच्छा, फिलहाल ये सारा जो है पिछले साल का जो है अपलोड हो रहा है, ओके, अभी नया जो है अपलोड नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ वही रहने वाला है, सिमिलर ही रहता है। देखो ये लोड हो गया है, यहाँ पर फुल टाइम टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज, ये देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, 106 पन्ने का है, पूरी की पूरी डिटेल, कितने रीजन हैं, ओके, हर एक रीजन में कितने कॉलेजेस हैं, और सारी चीज़ें ये PDF में दिया हुआ है, रिजर्वेशन के टाइप, कैटेगरी टाइप, एडमिशन के सारी प्रोसेस जो है यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में पढ़ सकते हैं, आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट HSC डिप्लोमा क्या है, मैंने इसके बारे में। अब SSC, पोस्ट SSC यानी 10वीं के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। 10वीं के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसके लिए ये स्पेशल वेबसाइट है, जिसको पॉलीटेक्निक भी हम बोलते हैं, poly19.dtmaharashtra.org, diploma19, ओके, ये पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में होता है, ओके। तो इसके लिए भी जो कैप राउंड्स होते हैं, ओके, इसके लिए भी CET नहीं देनी है, ओके, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है, सीधे 10वीं का रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, ऐसे ही आपको नया टैब मिलेगा, अभी ये चालू नहीं हुआ एडमिशन, तो रजिस्टर और लॉगिन करके आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, उसमें आपकी डिटेल भरनी होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से राउंड 1, 2 और 3 के कट ऑफ थे। ये 10वीं के जो बच्चे उनके लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के लिए, ओके, जो अभी आपने देखा था पोस्ट HSC में बिल्कुल वैसा ही ये है ये, बट पोस्ट यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ईयर पोस्ट SSC डिप्लोमा के लिए, ओके, तो ये सबके लिए, तीनों के लिए वो सेम ही है जो मैं अभी बता रहा हूँ ये, ओके। और तीसरा जो डिप्लोमा का टाइप होता है, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, वो होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा, यानी 12वीं के जो बच्चे हैं, मान लो कि उनकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है 50% या 45% का, जो भी क्राइटेरिया इस साल होगा, अगर उन्हें डायरेक्ट इंजीनियरिंग फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, ओके, और वो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जा सकते हैं। तो अभी इसकी वेबसाइट जो है वो चालू नहीं हुई है, ठीक है, ये सब 19-20 का डेटा भी दिख रहा है, यहीं पर सब अपडेट हो जाएगा, 2021 दिखेगा, 2021। तो ये सारी डिटेल हो गई dtmaharashtra.org.in। डिप्लोमा 3 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको बताया, 10वीं के बाद और 12वीं के बाद। 12वीं के बाद भी 2 टाइप का होता है, एक सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जा सकते हैं, और एक जो 12वीं के बाद सर्फेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट और फार्मेसी का डी फार्मा होता है, इनके लिए कोई CET नहीं लगती। ये सारी डिटेल इस वेबसाइट से आपको पता चलेगी, आपको जिस टाइप के भी डिप्लोमा में जाना है उसके अंदर चले जाइए, अगर आप 10वीं के बाद डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, जो फेलिसिटेशन सेंटर होते हैं वो क्या है, ओके, और लिस्ट ऑफ ARC दी हुई है, ऑथराइज जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें जमा करना होता है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स है, रूल्स जो होते हैं वो दिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अभी रह गई कि एक बात की, कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको ये सब एडमिशन करते समय, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने, तो उसके ऊपर मेरा एक अलग वीडियो है, उस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है डिप्लोमा के लिए लगेंगे, वो वीडियो अलग से, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अलग से दे रहा हूँ, उसको जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई है, बेसिक नॉलेज आ चुका है, जैसे ही इसकी लिंक चालू होगी, एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, इसके ऊपर मेरा वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और ये फॉर्म कैसे भरा जाता है,
इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरना होता है, कौन कौन सी जो जानकारी आपको डिप्लोमा के लिए भरनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना वो सीखें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे वीडियो के, आप देख सकते हो टाइटल के नीचे, उसको क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आएगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको सारी अपडेट इस चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।